अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमारी एक्सरसाइज 3B चल रही थी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। यहाँ मैंने बुक खोली, वो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में कम्प्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने ये तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे स्विच करता हूँ। ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वी ऑल डन दिस। नाउ We continue our work from question number 3. ठीक है क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 और 75। ठीक है, हमें 50 और 75 के दरमियान के प्राइम नंबर्स बताने क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम ये बात पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, हमारी बड़ी डिस्कशन हो चुकी है इस बात पे कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, यानी उनका जो डिवाइजर होता है या तो वो खुद हो डिवाइजर या फिर 1 हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो हमें 50 और 80 इनके दरमियान लिखना है, यानी ना 50 को लिखना है ना 80 को लिखना है, जबकि 50 और 80 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, हमें इनके बिटवीन में जो नंबर आते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम 51 से देखते हैं। ठीक है, 51 हमारा जो है वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो और अच्छा देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात करी थी कि मैंने जो है वो आपको ट्रिक्स बताई थी कि हम जो है वो कैसे देख सकते हैं कि जो है वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इसकी मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक ये बताई थी कि आप डिजिट के आखिरी में जो लास्ट का डिजिट होता है आप उसको चेक करें, अगर वो नंबर 2 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आता है। तो मुझे आपको 3 वाली बतानी रह गई थी, 3 और 5 की। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको 2 की लास्ट क्लास के अंदर बता दी थी। ठीक है, तो ज़रा क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ इसको, फिर मैं बाद में इरेज कर दूंगा। ठीक है, 3 की क्या है, 3 की जो ट्रिक है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे, आप ले लें नंबर 32, बल्कि 32 नहीं 33 ले लें आप। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 33, मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 3 के डिविजिबल में आता है नहीं आता है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये सिर्फ 3 होता तो मुझे पता था भाई 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है, चले 33 है ना, तो 33 को आप तो बड़ा आसान कहेंगे भाई 3 1 3 3 1 3 11 हो जाएगा। तो मैं एक और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 कर देता हूँ यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आप बताएं कि नंबर 3 के टेबल में आता है नहीं आता। तो अभी थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, डिफिकल्ट है क्योंकि नंबर बड़ा है। तो 3 के टेबल की ट्रिक, जैसे 2 के टेबल की ट्रिक हमारे पास ये होती है कि आप लास्ट का डिजिट चेक करें, अगर वो डिजिट आखिरी का जो राइट वाला सबसे लास्ट राइट मोस्ट डिजिट है अगर वो 2 में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 में आता होगा। तो 3 की ट्रिक हमारे पास ये है, 3 की ट्रिक ये है आपके पास कि जो आपको नंबर दिया जाए उस नंबर के डिजिट्स को, और से तरह केयरफुली सब मेरी बात सुननी है, जो आपको नंबर दिया जाए उस नंबर के तमाम डिजिट्स को आप आपस में ऐड करें। नंबर क्या है मेरे पास 336 है, तो इसके डिजिट्स क्या है 3, 3 और 6, तो 3, 3 और 6 को आप आपस में प्लस करें। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये 3, 3 और 6 को आप आपस में प्लस करें और देखें आंसर क्या आ रहा है। तो 3 + 3 = 6, 6 और 6 = 12। 3 की ट्रिक ये है कि जो नंबर आपको दिया जाए उसके डिजिट्स को आपस में प्लस करें, और प्लस करने पे जो आंसर आए उस आंसर को चेक करें कि क्या वो आंसर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर वो आंसर 3 के टेबल में आता हुआ तो इस बात का मतलब ये है कि वो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, 3 के टेबल की पहचान ये है कि आपको जो भी नंबर दिया जाए, देखिए अब अगर आप इसको देखें तो ये 2 से भी हो सकता है क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट इवन है 6 और 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब नंबर 2 से भी हो जाएगा, लेकिन ये 3 से भी हो जाएगा। इस तरीके से कि आप
नंबर आपको दिया जाए उसके तमाम डिजिट्स का आप प्लस करें, प्लस करने के बाद जो आंसर रिटर्न हो वो आंसर अगर थ्री के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये नंबर भी थ्री के टेबल में आता है, तो ये तो हो गई थ्री के ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक हो गया हमारे पास थ्री के, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये थ्री की ट्रिक हो गई आपके पास। ठीक है, अच्छा अब फाइव के ट्रिक क्या है? फाइव के ट्रिक ये है, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 4 5 5 8 0। ठीक है, फाइव की तो बड़ी आसान सी ट्रिक है। जैसे टू में आप चेक करते हैं लास्ट वाला डिजिट जो सबसे राइट मोस्ट होता है लास्ट का डिजिट, वो अगर टू के डबल में आता है इसका मतलब कि ये नंबर भी टू के डबल में आता है। फाइव का सिंपल ये है कि अगर आखिरी वाला डिजिट जीरो या फाइव हो, आखिरी वाला डिजिट यानी कि ये या तो ये जीरो हो और या तो अगर वो फाइव हो, तो इस बात का मतलब ये है कि पूरा नंबर फाइव के टेबल में आता है, फाइव से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, मैं तरह सब सारी की सारी चीज़ रिपीट कर देता हूँ। टू के टेबल की ट्रिक ये है कि आखिरी का डिजिट टू के टेबल में आना चाहिए। थ्री की ये है कि आप सबको आपस में ऐड करें जो आंसर है वो थ्री के टेबल में आना चाहिए। फाइव के टेबल की पहचान ये है कि आखिरी का नंबर या तो जीरो हो या फिर फाइव हो। ठीक है, तो अब जरा हम काम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें ये बताना है प्राइम नंबर देखने। ठीक है, तो फिर सबसे पहले 51 देख, तो हमने देखा 51 टू के डबल में नहीं आता क्योंकि आखिरी का नंबर इवन नहीं है। फिर मैंने देख चेक किया क्या ये फाइव के डबल में आता है, तो आखिरी का नंबर वन है, जीरो फाइव नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइव में भी नहीं आता होगा। आखिरी का नंबर चेक करना है मैं जो सबसे राइट मोस्ट हो हमारा सीधे हाथ वाला नंबर जो है। फिर हमने देखा थ्री को, थ्री के डबल में आता है नहीं आता, तो फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स थ्री के डबल में आता है, इसका मतलब 51 थ्री के डबल में आता है। 52 को देखा, 52 जो है वो इवन नंबर है, आखिरी के टू है तो इसका मतलब टू में आता होगा। हमने 53 को देखा तो ये इवन, ये टू के टेबल में नहीं आता क्योंकि आखिर का नंबर इवन भी नहीं है इसके, और ना इसके आखिर में जीरो फाइव, और अगर मैं ऐड करूँ फाइव और थ्री को तो फाइव और थ्री एट बनते हैं, तो इसका मतलब एट तो थ्री में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर थ्री में भी नहीं आता। तो जो नंबर ना टू में आए ना थ्री में आए ना फाइव में, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है। तो 53 लिखा सबसे पहले हमने। ठीक है, फिर वैसे 54 क्योंकि इवन नंबर है टू में आता होगा, 55 आखिर में फाइव आ रहा है तो फाइव में आता होगा, 56 भी इवन नंबर है क्योंकि आखिर में सिक्स है, 57 जब ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 थ्री के टेबल में आता है तो इसका मतलब थ्री में आता होगा, 8 भी इवन है, अब 59। ठीक है, ये ना इवन है ना फाइव में आता है ना थ्री में आता है, ऐसे ही 60 आता है, 61 हो जाएगा। ठीक है, 62 भी इवन है, 63 थ्री में आता है, 64 इवन है, 65 फाइव में आता है, 66 भी इवन है, 67 हो जाएगा क्योंकि ये किसी में नहीं आता। ठीक है, फिर ऐसे 68 भी इवन है, 69 भी आता है थ्री में, 40 इवन है, फिर ऐसे 41 भी आता है, 42 43 सभी आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो इवन हमारे पास आएगा वो आएगा 71। ठीक है, क्योंकि 70 तक तमाम के तमाम इवन नंबर्स जो है वो इवन है, तो कोई थ्री में आता है कोई फाइव में आता है। ठीक है, फिर 71 के बाद 72 हमने चेक किया, 72 इवन नंबर है, 73 देखा तो 73 इवन भी नहीं है, फाइव में भी नहीं आता, और अगर इनको आपस में ऐड करें 7 + 3 तो 10 आता है, इसका मतलब थ्री में भी नहीं आता। यहाँ हम लिख देंगे एंड 73। अब 70 से आगे अगर हम देखें 74 75 76 और ऑलमोस्ट 80 से कम यानी कि 79 तक तमाम के तमाम नंबर या तो टू में आते हैं थ्री में आते हैं, अभी उनके आखिर में फाइव आ रहा है तो फाइव में आएंगे। तो ये हमारे इवन नंबर्स हैं जो 7 8 50 और 75 के बिटवीन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आता है, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी करके हम निकलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। अच्छा, ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्विन प्राइम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे प्राइम नंबर जो टू टू के गैप से आ रहे हो। क्या मतलब? जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें ये 50 और 80 के बिटवीन लिखने हैं,
अभी हम कर कर आए ये काम पीछे 50 और 75 के दिन में, तो प्राइम प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन प्राइम नंबर तो होंगे ना वो ट्विन, मैंने बता दिया आपको ट्विन का मतलब ये होता है जो दो दो के गैप्स हों, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जाम्पल 53, ये सारे हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं 53। अच्छा ये पहले मुझसे मिस्टेक हो गई थी, हमें 75 तक के नंबर्स चाहिए थे तो इसलिए हमने 73 तक लिखा, आ गया अगर हमने नहीं लिखी क्योंकि 75 तक हमें लिमिट थी हमारी, ठीक है, वरना 77 भी जो है एक प्राइम नंबर है, तो 75 तक के थे, ठीक है। तो खैर ट्विन प्राइम नंबर ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 53 है, पहला प्राइम नंबर 53 है, दूसरा प्राइम नंबर 59 है, तो 53 और 59 के दरमियान कितना कितने नंबर्स का फ़र्क है, टोटल 6 नंबर का हमारे पास फ़र्क है, ठीक है। तो 6 नंबर का, यानी 6 नंबर्स का आपस में जो है वो डिस्टेंस है, 6 नंबर का फ़र्क है, तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते दोनों, ट्विन का मतलब जिनमें दो का फ़र्क हो। हम देखते हैं 59 और 61, 59 के बाद 59 और 61 में कितने डिजिट का फ़र्क है, सिर्फ दो डिजिट का फ़र्क है, 59 के बाद उनका 60 और 61, तो सिंपल दो डिजिट का फ़र्क है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ऐसे ही हम 61 और 67 में चेक करें तो ज़्यादा ही डिस्टेंस है, 67 और 71 में चेक करें ये भी ज़्यादा डिस्टेंस है, और ऐसे ही 71 और 73 में चेक करें तो ये ट्विन प्राइम नंबर में दो का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये होता है ट्विन प्राइम नंबर्स, तो इस तरह सिंपली हमें करना है। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो हमने कौन कौन से देखे थे, 59 और 61 और 71 और 73, ये ट्विन प्राइम नंबर थे, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर में रिपीट कर दूँ, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो के दरमियान, यानी जिनके दरमियान सिर्फ दो डिजिट्स का फर्क हो, जैसे 59 और 61 के दरमियान सिर्फ दो डिजिट का फर्क है, ठीक है। लेकिन 59 सॉरी 61 और 67 के दरमियान देखें 6 डिजिट का फर्क है, ऐसे तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ट्विन मतलब जिनमें दो का फर्क हो। तो मैंने क्या लिखा, 59 एंड 61 कॉमा 71 एंड 73 आर ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, ठीक है ना, कि ये जो है वो दो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं 50 और 80 के दरमियान, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। देखिए कंसेक्यूटिव, पहले मैं आपको कंपोजिट नंबर बताता हूँ, कंपोजिट नंबर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो दो नंबर के प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 3, 3 किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नहीं बनता, ठीक है, सिवाय 3 और 1। तो अगर 3 और 1 देखें तो 3 और 1 में 3 भी तो एक नंबर ही है, तो 3 किससे बना है, बात तो याद आती है ना, 1 के अलावा देखते हैं, जैसे 4 है तो वो 2 और 2 से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो हमने देखा बहुत से होते हैं, 6 है, 3 और 2 से मिलकर बना है 6, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो वो नंबर जो वो नंबर से प्रोडक्ट से बनते हैं, मल्टीप्लाई करने से बनते हैं वो नंबर को, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। आपने करना है क्या, आपने करना ये है कि आपने बिलो 30, 30 बिलो 30 का मतलब ये है कि 30 से कम, आपने 29 से स्टार्ट लेना है, 29 से आपने ऑनवर्ड्स पीछे जाना है, तो 30 से कम आपने जो है वो नंबर्स चेक करना है कि कौन सा कंपोजिट है कौन सा कंपोजिट नहीं है। कंसेक्यूटिव, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि लगातार,
यानी आपने किसी के बीच में गैप नहीं देना, लगातार आपने चेक करते हुए जाना है, 30 से 29 से आपने जो है लगातार पीछे जाना है चेक करते हुए, कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पे ये है। हम चेक करते हैं 30 से बिलो 30 मतलब 30 से पहले हमें जाना है, 30 से नीचे हमें जाना है, 29 से हमें जाना है पीछे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम 30 से पहले आता है 29। 29 किसी भी दो नंबर को मिलाने पे नहीं बनता, ठीक है। 29 किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता, तो हमारा 29 से पहले 28 होता है, क्योंकि 28 आता है 2 के टेबल में मल्टीप्लाई करने में आता है, ठीक है। 28 से पहले 27 भी आता है मल्टीप्लाई करने पे, 26 भी आता है, इसको करेंगे सब इवन नंबर, इवन नंबर हैं तो उसका मतलब दो को मल्टीप्लाई करने पे आ रहे होंगे, टू टेबल में आते हैं सारे। 25 भी 2 5 को मल्टीप्लाई करने पे आता है, ऐसे ही 24 भी आता है, ठीक है। और हम अगर पीछे जाएं तो 20 और भी 20 भी हैं, ठीक है, 21 भी हैं, लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 कंसेक्यूटिव लिखना है। हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमें सिर्फ आपने जो है 5 लिखना है स्टार्टिंग के, जो बिलो 30 से बिलो 30 हमें सिर्फ 5 लिखना है, तो इसलिए हमने जो है वो सिर्फ 24 पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल सिंपली जो है वो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी, उसमें क्या करना है हमें 7 लिखना है, 5 के जगह 7 नंबर लिखना है, और वो हमें 100 से स्टार्ट करने हैं, हमें 100 से पीछे आना है, 99 98 एंड सो ऑन इस तरह जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो 100 से पीछे आना है, तो हमने देखा भाई 100 से पीछे 99 99, क्योंकि अगर 9 और 9 को आपस में ऐड करें तो 9 और 9 3 9 9 9 जो है वो 18 बनता है, जो कि 18 3 के डबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 में आता हो, क्योंकि दो नंबर को मतलब बनना 3 6 18, क्योंकि देखिए 3 और सॉरी अगर मैं 3 और 11 को एक मिनट अगर मैं 3 और 33 अगर मैं 3 और 33 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 99 बनता है, ठीक है। तो ये 99 आ जाएगा आपके पास, फिर ऐसे ही 98 भी 2 में आता है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा, दो को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ऐसे ही 96, फिर 97 नहीं आता, ठीक है, 97 नहीं आता, तो 96 आता है, फिर ऐसे ही 95 भी आता है, 94 भी आता है, ठीक है, 93 92 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने जो है वो 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स निकाल लिए, जो कि 100 से छोटे थे, ठीक है। आज यहाँ पे हमने वो एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सरसाइज है 3B, ठीक है, एक्सरसाइज 3B हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 7 तक सॉरी 8 तक क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं एक्सरसाइज 8 स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपके पास सिलेबस है, आपको पता ही होगा सिलेबस में, आप चेक कर लीजिएगा, एक्सरसाइज हमारी 8B है आई थिंक, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में या गूगल क्लासरूम पर अपनी क्यूरी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।